हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक प्रेग्नेंट वूमेन की है जो अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुई है, लेकिन उसके बाथरूम में छुपे हैं कुछ ऐसे राज जो सभी के होश उड़ाने वाले। डैनियल ने अभी कुछ दिन पहले ये घर खरीदा है जो कि रेनोवेट हो रहा है, लेकिन उससे पहले ये लोग शिफ्ट हो गए क्योंकि ऐसे वो खुद भी पहले सारी तैयारियां कर सकेंगे अपने आने वाले नए मेहमान के लिए जो उनका एक बेबी होने वाला है। दोनों ही बहुत ज्यादा खुश है अपने इस घर में आकर। इसी के साथ इनकी पेट कैट भी होती है। सभी वर्कर काम करने में बिजी होते हैं और उनके साथ डैनियल भी लगा हुआ था सामानों को इधर से उधर करने में। इतने में जूली पहुंच जाती है बाथरूम में, जहां पर काम कर रहा वर्कर उसे अंदर आने से मना करता है क्योंकि फ्लोर की हालत बहुत ही खस्ता है। इसीलिए वो उसे वॉर्न भी करता है और कहता है कि आप दूसरे वाले वॉशरूम को यूज करें, ना कि ये अभी तक बना नहीं है, तभी इसे लॉक करके रखा हुआ है। अब जूली को उसकी बात सही लगती है, इसीलिए वो डैनियल के पास जाती है और अपने पेट को देखने लगती है। इतने में वो एक वर्कर आकर उसे एक ब्रेसलेट देता है जो कि उसे बाथरूम में मिला। अब जूली को वो काफ़ी पसंद आता है, इसीलिए वो उसे अपने पास रख लेती है। कुछ घंटों के बाद वर्कर जाने लगते हैं क्योंकि आज का काम खत्म हो चुका है। अब डैनियल भी बहुत ही ज़्यादा थक चुका है, लेकिन वो सोता नहीं है क्योंकि आज उसे जूली के साथ एक पार्टी में जाना है जो कि रात में है। इसीलिए वो उसे रेडी होने को कहता है, जो कि जूली होने लगती है और वो उसी ब्रेसलेट को पहन लेती है। तभी उसे एक बॉक्स मिलता है। जब वो उसके ऊपर कपड़े को हटाती है तो उसके ऊपर एंड्रयू लिखा था। ये बॉक्स वो अपने साथ ही लेकर आई थी क्योंकि एंड्रयू नाम से उसका बहुत ही पुराना रिश्ता है जो उसे आज तक सताता है, लेकिन वो चाहकर भी उसे दूर कर नहीं पाती और ना ही एंड्रयू को भुला पाती है। इसी दौरान उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि इस पूरे घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। इसीलिए वो बाहर आती है और देखती है कि उसकी बिल्ली उसे टूटे फ्लोर वाले बाथरूम के बाहर खड़ी होकर अपने पंजों को लगातार घिस रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अंदर जाने से डर रही है या फिर उसे कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि जूली देख नहीं पा रही है, लेकिन वो सुन सकती है। इसीलिए वो करीब जाती है और कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी वो फिर से रोने लगते हैं। इतने में पीछे से डैनियल आकर उसे डरा देता है जिसे वो और ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके उसके साथ उनके बच्चे के रूम में जाती है जहां पर डैनियल ने कैमरा फिक्स कर दिया था जिसकी पूरी अपडेट उसके टैबलेट में आती रहेगी और इसे किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम दोनों को एक पार्टी में देखते जहाँ पर एक ओल्ड कपल उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और जूली से पूछता है क्या ये उसका पहला बच्चा है। तो तभी डैनियल जूली के जवाब देने से पहले खुद ही जवाब देता है और कहता है कि ये हमारा पहला बेबी है, लेकिन उसका जवाब सुनकर जूली कुछ खास खुश नहीं होती और इसकी वजह यह है कि वो पहले भी माँ बन चुकी है, लेकिन जन्म के दौरान ही उनके बच्चे की मौत हो गई जिसकी वजह से जूली सदमे में चली गई और उसने बहुत दिनों तक किसी से कुछ नहीं कहा। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसने खुद के बच्चे को खुद के हाथों से मार दिया, लेकिन डैनियल ने उसे उसके बाद संभाला। अब घर आने पर उन दोनों में इसी को लेकर बहस हो जाती है तो डैनियल उसे कहता है कि मैं अब उन सब चीज़ों को याद नहीं करना चाहता और तुम भी याद मत करो, हमें एक नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए, कुछ दिनों में हमारा एक बच्चा होगा। जूली को भी सही लगता है क्योंकि उसने ज्यादा दुख तो डैनियल को हुआ था, इसीलिए वो अपने रूम की ओर जाने लगती है उसे सॉरी कहकर, लेकिन तभी उसे ऊपर एक बच्चा दिखाई देता है जो उसे ही देख रहा था। ज्यादा डर जाती है और इसी चक्कर में उसका पैर स्लिप हो जाता है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। डैनियल फौरन एम्बुलेंस को बुलाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन यहाँ जूली के दिमाग में वही विजन फिर से आने शुरू हो जाते हैं जो उसे पहले बच्चे के टाइम पर आ रहे थे। यहाँ डैनियल भी बहुत डरा हुआ था कि उसके साथ कुछ हो ना जाए क्योंकि फिर से वो सारे दुख को झेल नहीं पाएगा, इसीलिए वो पूरी रात जूली के पास ही बैठा रहता है। कुछ समय के बाद उसे होश आ जाता है और उसे डॉक्टर बताते हैं कि उसके बच्चे को कुछ हुआ नहीं और वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जूली को अब कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। जब तक वो अपने इस बच्चे को जन्म नहीं दे देती, उसे बस बहुत ही जरूरी काम हो तभी उठना है बेड से। वो मान जाता और उसके घर आने से पहले ही डैनियल ने उसकी सारी जरूरतों के सामान उसके बेड के साइड में रख दिए थे ताकि उसे उठना ना पड़े। फिर वो उसे एक वॉकी टॉकी भी देता है ताकि बार बार उसे उठना ना पड़े। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था क्योंकि जूली सब कुछ भुला चुकी थी। उधर डैनियल भी अपने काम में चला जाता है, इसीलिए जूली टीवी देखने लगती है, लेकिन फिर से उसे किसी की रोने की आवाज आती है। इस बार ये आवाज उसके अलमीरा से आ रही थी, लेकिन जब वो उसे खोलती है तो उसमें कुछ नहीं था, यानी कि ये बस उसका एक वहम हो सकता है। इसीलिए वो फिर से आकर अपने कामों में लग जाती है। अब शाम में डैनियल जब काम से लौट तो वो उसे सारी बातें शेयर करता है जो कुछ भी हुआ आज, जिसके बाद वो उसे किस करके सोने के लिए चला जाता है। जूली भी सोने के लिए जाती है पर दोस्तों वही अलमीरा फिर से उसके तंग करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसे कोई देख रहा है। जब वो अपनी आंख खोलती है तो उसके सामने कोई बच्चा उसे देख रहा होता है। वो ये देखकर तेज से चिल्लाती है जिससे कि डैनियल उठ जाता है और फौरन उसे संभालता है और पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। जूली अलमीरा की ओर इशारा करती है और वो उसे चेक करने जाता है
पर वहां पर कोई भी नहीं होता। अब डैनियल कहता है कि शायद ये तुम्हारा कोई बुरा सपना होगा, इसीलिए वो दोनों सो जाते हैं। पर जूली को ये नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी सो जाती। अब नेक्स्ट डे वो अपनी एयरिंग को साफ कर रही होती है, तभी उसे बाहर कोई बच्चा खेलते हुए दिखता है। वो उसे स्माइल के साथ ग्रीट कर और उसका नाम पूछती है, लेकिन वो तो जूली को देख कर डर जाता है। तब वो उसे पूछती है कि आप किसके बेटे हो, तो वो बच्चा जूली की ओर इशारा करता है। इतने में वो खिड़की अपने आप बंद हो जाती है, जिससे जूली फौरन पीछे होती है, वरना उसे चोट लग सकती थी। वो यही सोच रही थी कि वो बच्चा आखिर उसकी ओर इशारा क्यों कर रहा था। इतने में उसकी टैबलेट में मैसेज आता है कि उसके बेबी रूम में कोई है। जब वो उसके कैमरा को चेक करती है तो वो असल में उसकी बिल्ली होती है, जो कि वहीं पर घूम रही थी। लेकिन दोस्तों वहां पर कोई और भी था, क्योंकि जब वो कैमरे के एंगल को घुमाती है तो उसे एक बच्चे की रिफ्लेक्शन शीशे में दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि ये मसला क्या है, इसलिए वो फौरन पुलिस को कॉल लगाती है और उन्हें बताती है कि उसके घर में कोई घुस आया है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि आप जहां पर भी मौजूद है वहां के गेट को लॉक कर लें, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। इसीलिए जूली अपने गेट की ओर जाती है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा डर चुकी है, क्योंकि किसी के चलने की आवाज़ आ रही है जो कि उसकी ओर आ रहा था। वो फौरन पीछे हटती है और वहां वो गिर भी जाती है, पर उसकी जान तब अटक जाती है जब एक छोटे से पैर के निशान को ऊपर सीलिंग पर चलते हुए वो देखती है। वो तेज से चिल्लाती है क्योंकि ऐसा मंजर देख कर हर कोई डर जाएगा। अब कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आती है, उनके साथ डैनियल भी था, जो कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ, सब ठीक तो है। लेकिन पुलिस आकर उन्हें बताती है कि उन्होंने हर जगह चेक कर लिया, उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। डैनियल को लगता है कि जूली अभी वही ट्रॉमा में है, वो डर से बाहर नहीं निकल पा रही है, इसीलिए उसे ऐसे वहम हो रहे हैं। वो फैसला करता है कि वो उसके लिए एक प्राइवेट नर्स को हायर करेगा, जिससे कि वो अपने इस अकेलेपन को दूर कर सकेगी और उसे बातें करते हुए उसका दिन भी कट जाएगा। इसीलिए वो उसे लेने के लिए जाता है। अब यहाँ सोने से पहले जूली उसी एंड्रयू वाले बॉक्स को खोलती है, जिसमें हम कुछ बच्चों के टॉयज को देखते हैं, कुछ कपड़े भी जो कि जूली के पहले एंड्रयू के थे। उन्होंने पहले से ही इन्हें खरीद कर रख लिया था, लेकिन फिर उस हादसे के बाद जूली ने इन सब सामानों को इन बॉक्स में रख दिया, क्योंकि उनका बच्चा चला गया था। अब उसकी मेमोरीज आज भी उसके दिल में कैद है। तभी उसकी नजर ऊपर सीलिंग पर पड़ती है, जहां पर एंड्रयू की टॉय कार चल रही थी, लेकिन उसे कोई चला नहीं रहा था, बल्कि वो खुद ही चल रही थी। तभी वो नीचे देखती है, वही बच्चा उसके सामने खड़ा था जो उस दिन बाहर खेल रहा था। लेकिन इस बारी वो डरती नहीं है, बल्कि उसका पीछा करती है। उसे लगता है कि शायद ये उसका पहला बेबी का स्पिरिट होगी, जो कि अब बड़ी हो चुकी है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाती है। लेकिन इतने में डैनियल ऊपर आ जाता है और पूछता है कि सब कुछ ठीक है, तो जूली झूठ बोलती है कि हाँ ऑल ओके। अब कुछ दिन बाद वो नर्स भी आ जाती है, जिसका नाम था बेली। वो आज से हर समय जूली के पास रहेगी और उसका ख्याल रखेगी। थोड़े टाइम बाद वो उसके साथ काफी कंफर्टेबल भी हो जाती है। बेली बताती है कि उसका नाम उसके ग्रैंड मदर के नाम पर रखा गया है। ऐसे ही बातों बातों में जूली उसे अपने पहले बच्चे के बारे में भी शेयर करती है। तो बेली कहती है कि वो बहुत ही लकी है कि उसे ऊपर वाले ने दूसरी बार मौका दिया, वरना कुछ लोग हैं जो कभी माँ नहीं बन पाते। यहाँ वो खुद की बात भी कर रही थी। वो इस काम को करने के पीछे की वजह बताती है कि कैसे उसे दूसरी औरतों की मदद करना अच्छा लगता है। वो उन्हें उनके बच्चों के साथ देखकर बहुत खुश होती है और यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों 29 दिन बीत गए थे जूली को इस घर में आए हुए और कुछ चीजें बदल गई है, लेकिन उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक बारी जब वो नहा रही होती है, तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखकर उसका डर और बढ़ता जा रहा था। अब उसे इसके पीछे का रहस्य जानना था। वो चिल्लाने लगती है और सभी लोग उसके पास आते हैं, उसे बेड पर लाकर रखते हैं। डॉक्टर आकर उसकी कंडीशन को चेक करते हैं और डैनियल को बताते हैं कि अगर जूली की हालत में सुधार नहीं आया तो हमें मजबूरन उसे मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा कुछ दिन के लिए। ये सुनकर जूली बहुत ही उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद ये सब उसकी बस एक इमेजिनेशन है और इसीलिए अब उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहिए, जैसे कि डैनियल उसे हमेशा से कहता हुआ आ रहा है। वो खुश रहने लगती है और फिर से अपनी पुरानी वाली जिंदगी जीने की कोशिश करती है, जहां पर वो डैनियल के साथ अच्छे टाइम को स्पेंड करने की कोशिश करती है। अब ऐसे ही 10 दिन और बीत जाते हैं, जूली की डिलीवरी का भी टाइम अब नजदीक आ रहा है। वो बहुत खुश थी। ऐसे एक दिन जब वो बेड पर लेटी हुई थी तो उसके नीचे से एक बॉल बाहर आती है। उसे लगता है कि शायद ये उसकी बिल्ली है जो कि उसके साथ खेलने को कह रही है, लेकिन जब वो देखती है कि उसकी कैट तो दूसरी ओर है, वो और ज्यादा डर जाती है और एक मिरर की मदद से नीचे की ओर देखने की कोशिश करती है, जहां पर फिर से उसे वही बच्चा दिखाई देता है। अब यहां आकर उसे यकीन हो गया था कि ये जो भी कुछ हो रहा है, वो देख रही है, वो सुन रही है, वो कोई वहम तो नहीं है बल्कि हकीकत है और वो उसे बेटे की आत्मा ही है। वो उसे जरूर कुछ कहना चाह रही है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रही है। वो उसी समय एंड्रयू को आवाज़ देकर बुलाती है और अगले ही पल वो बच्चा उसके पास आ जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे को मार देगी। अब जूली पूछती है कि कौन मार देगा,
लेकिन इसका जवाब बिना दिए वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जूली को शक होता है कि कहीं वो बेली की बात तो नहीं कर रहा, इसीलिए वो रात में डैनियल से बात करती है और उसे कहती है कि हमें बेली की जगह किसी और नर्स को लाना चाहिए। वो कहता है कि उससे अच्छी नर्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, मैंने उसकी तारीफें कई डॉक्टर से सुनी है, और तुम उसे हटाना क्यों चाहती हो। तब जूली को सच बताना ही पड़ता है, इसीलिए वो उसे आज के इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और उससे बात को लेकर उन दोनों में फिर से बहस हो जाती है। डैनियल कहता है कि वो डॉक्टर सही कह रहा था, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। लेकिन जूली तो बार बार एक ही बात को रिपीट करे जा रही थी कि उस बच्चे ने मुझसे कहा है, वो सच कह रहा है। उसकी बातें सुनकर सुबह ही डैनियल घर से बाहर निकल जाता है और बेली को उसका ध्यान रखने को कहता है। वो उसे समझाती है कि तुम्हें खुद पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, इसे बच्चे पर भी असर हो सकता है, तुम अकेली नहीं हो जिसे अपने बच्चे को खोया है। अब जूली को समझ नहीं आता कि वो उसे पूछती है कि क्या मेरे अलावा कोई और भी है। तो बेली कहती है कि हाँ, इस घर की सबसे पहले मालकिन मेलनी, जो कि एक आर्किटेक्चर थी, उसने इस घर को डिज़ाइन किया था। वो जब अपने चौथे बच्चे को जन्म देने वाली थी कि तभी उसके साथ एक हादसा हो जाता है जिसमें उसके बच्चे की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी हालत सेम तुम्हारी जैसी हो गई। वो खुद को कई दिन तक कमरों में लॉक करके रखती थी और फिर एक दिन सुबह एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई कि एक माँ ने अपने 3 बच्चों को मारने के बाद खुदकुशी कर ली। सभी इस चीज़ को सुनकर और ज़्यादा शौक में थे, कोई माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है। इन सब बातों के बाद बेली उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए, जो बीत गया उसे भूल जाओ। वो समझ जाती, लेकिन फिर उसे मेलोनी वाली बात याद आती है और उसी समय उसे वो ब्रेसलेट भी याद आता है जो कि उसने अभी पहना हुआ है। जब वो उसके पीछे देखती है तो उस पर लिखा था MK, यानी कि मेलोनी केंड्रा। वो तुरंत उसे उतार कर रख देती है। अब उसके अंदर और क्यूरियोसिटी जागने लगती है। वो इंटरनेट पर इस घर के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। सबसे पहले तो कुछ पुरानी न्यूज़पेपर को देखती है जिसमें इस घर में हुए आज से 8 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में लिखा था। ये भी बताया गया था कि मेलिनिया अपने बच्चे को खोने के बाद पागल हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने एक दिन बहुत ही बेरहमी से अपने बच्चों को मार दिया। उसने घर के बाथटब में उसने सबसे पहले अपने 3 बच्चों को डुबा कर मार दिया, फिर खुद की जान ले ली। अब वो उसी ब्रोकर को फोन करती है जिसने उसे ये घर दिलाया था। उसे इस केस के बारे में और बताती है। उसे पता चलता है कि उसने उस टूटे फ्लोर वाले बाथरूम में ही अपने 3 बच्चों को मारा था और खुद भी वहीं जान ली थी, जिसके बाद उस बाथरूम में आज तक आवाजें आती है। जूली को समझ आ जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सच है, लेकिन उस दिन वो बच्चा उसे किसी को बचाने को कह रहा था। अब यहाँ पर हम स्क्रीन में लास्ट डे देखते हैं, यानी कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वहीं जूली इस बारी वो घर के वैक्यूम क्लीनर पर अपना फोन को चिपका देती है और उसके कैमरा को खोल देती है, दूसरे रूम में भेजती है जहाँ पर उन 3 बच्चों का कमरा हुआ करता था। वो देखती है कि वो 3 बच्चे लाइन से खड़े हुए हैं। वो उनसे पूछती है कि क्या तुम मेलिनिया को जानते हो। ये बोलते हुए वो बहुत डर जाते हैं और उसका फोन टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर आता है इस कहानी में असली हॉन्टेड वाला सीन, जिसे देखकर हर कोई डर जाएगा। जूली का सामना पहली बार मेलिनिया की आत्मा से होता है, जो अंधेरे में ज्यादा दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन हाँ, उसका अक्स हम साफ साफ देख सकते हैं। वो उसके बेड के करीब आती है और जूली के पेट के अंदर हाथ डालकर उसके बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अगर उसका बच्चा नहीं मिला तो किसी और का भी मिले। इतने में वहां पर बेली आ जाती है, जो जूली की ऐसी हालत देख कर कहती है कि लगता है कि तुम्हारा डिलीवरी का समय हो गया। इतने में डैनियल भी वहां आ जाता है। उसे जूली कहती है कि मुझे जल्दी से घर के बाहर ले चलो, वरना वो मेरे बच्चे को मार देगी। दोनों को ही समझ नहीं आता कि वो ये सब क्या कह रही है और किसके बारे में बात कर रही है, पर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उनके रूम में रखी अलमीरा खुलती है और उसमें से एक बच्चा बाहर आता है, जो उनसे कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मम्मी जाग गई है, जिसके बाद वो बच्चा रेंगते हुए ऊपर चला जाता है। वो उसे बाहर ले जाने लगती है, लेकिन तभी मेलिनिया की आत्मा बेली को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर उस घर के सभी बाहर जाने वाले रास्तों को बंद कर देती है। पर यहाँ पर डैनियल फिर भी कोशिश करता रहता है कैसी भी करके वो उसे बाहर ले जाए, लेकिन तभी उसके सर पर एक झूमर गिरता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अभी बची है सिर्फ अकेली जूली। इसी का फायदा उठाकर मेलिनिया उसे घसीटते हुए बाथरूम में ले जाती है, जिसका फ्लोर टूटा हुआ है। वो उसी बाथरूम में बैठा देती है और उसके बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसमें जूली अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन मेलिनिया उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर जूली इतनी आसानी से अपने बच्चे को नहीं देने वाली। उसे याद आता है कि जिस जगह की फ्लोर कमजोर है, वो जोर जोर से हिलने लगती है, जिससे कि वो फ्लोर टूट जाता है। वो बाथरूम सीधा नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर डैनियल भी आ जाता है, जिससे अब होश आ चुका था। वो उसे कहता है कि उठो, हम बाहर चलते हैं। लेकिन जूली कहती है कि उसे सबसे पहले अपने बच्चे को यहाँ से बाहर ले जाना होगा, वरना वो उसे मार देगी। डैनियल ऐसा ही करता है, पर मेलिनिया ये करने नहीं देगी, क्योंकि अगर वो बाहर गया
तो बच जाएगा। तभी हम कुछ बहुत ही अजीब देखते हैं। अचानक से जूली उठ जाती है और वो मेलिनिया का गला पकड़ लेती है और उसे मारना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मेलिनिया वहां से भाग जाती है। पर अचानक से उसके अंदर ये ताकत कहाँ से आ गई, जूली को समझ नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन हुआ। तभी हम डैनियल को देखते हैं, वो पुलिस को लेकर आता है और जूली की बॉडी के पास बैठकर रोने लगा। दरअसल दोस्तों, जूली तो कब का मर चुकी है और ये जो हमारे सामने खड़ी है वो उसकी आत्मा है। अब डॉक्टर आते हैं और जूली को लगातार CPR देते हैं, उन्हें यकीन था कि वो अभी बच सकती है। उधर जूली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहती, उसे तो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, कुछ और वक्त गुजारना है। इतने में हम देखते हैं कि उसे बेली की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसके हाथ में एंड्रयू था। उन दोनों को वो हमेशा के लिए अलविदा कहती है। इतनी ही देर में CPR देने की वजह से जूली फिर से जिंदा हो जाती है और ये आत्मा उसके असली शरीर में वापस पहुंच जाती है। उसे जिंदा देखकर डैनियल बहुत ही खुश होता है। कहानी के आखिर में हम जूली को पूरे परिवार के साथ देखते हैं, वो बहुत ही खुश है, उसकी एक बेटी भी है। और इसी दृश्य के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा सवाल आपसे है कि कभी आपने कभी आत्मा या फिर कोई ऐसी चीज को फील किया है, तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा।